दोस्तों आप पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है आनंद भवन और ये पड़ता है प्रयागराज में। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था और जब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो अपनी जो भी नई निजी वस्तुएं, जैसे अपना स्त्री हुआ, मतलब कि प्रेस उस ज़माने में, ट्रिमर हुआ और खाने की चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें जो भी यूज करते थे वो सारी यहीं पे रखी हुई। तो एक एक करके आपको दिखाते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। तो चलते हैं आगे और बने रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए फन विद बिरजू। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये टिकट ले लिए हम लोग, दो टिकट ले गए, 100 वाले। अब हम लोग आनंद भवन, दोस्तों आनंद भवन खुलने का समय सुबह 9 बजे है। हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे तो इसलिए जब समय मिला तो चाय नाश्ता भी कर लिए। और दोस्तों इससे पहले हमारी प्रयागराज की संगम वाली वीडियो पड़ी है और किले वाली वीडियो पड़ी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने टिकट लिया है, टिकट इसलिए एक्स्ट्रा वाला लिया है 100 रुपये का, और मतलब कि 30 रुपये का नीचे का सेक्शन है और 70 रुपये का ऊपर वाला सेक्शन है जहाँ पे उनकी निजी वस्तुएं रखी हैं। तो दोस्तों पूरा टिकट लेके हम लोग चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं वहाँ का वीडियो। ये आ रहा है तेजस, हाँ दोस्तों यहाँ पे चीज़ें देखिए उसी ज़माने की रखी हुई जो समय की बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें हुआ करती हैं। जैसे ये देखिए उनका, पंडित जी का होम्योपैथिक बॉक्स है, इसमें जो भी वो दवाई यूज करते थे होम्योपैथिक की यूज करते थे। ये चीनी मिट्टी का पात्र है जिसमें वो यात्रा के बाद में जब शाम को अपना पैर वैर सिका करते थे। ये इनका बटुआ है जिसमें अपने रुपए पैसे रखा करते थे जो उस समय करेंसी चलती थी। और ये दोस्तों आपको जो दिख रहा है ये छोटे छोटे प्रेस हैं जो विदेश जाया करते तो अब इन्हीं का यूज़ किया करते। ये चम्मच वगैरह कुछ रखे हुआ बर्तन, और ये इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। ये देखिए इस प्रकार से उन्होंने पुस्तकें लिखी थी, बिल्कुल ओरिजिनल पुस्तकें रखी हुई हैं। साथ में इनका ये डिनर सेट रखा हुआ है जो कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो भी यूज करते थे अपना, शायद चांदी का है या पता नहीं किसका, दोस्तों कमेंट करके आप बताइएगा कि किस धातु का बना हुआ है। और ये देखिए तिरंगा लगा हुआ, चाय कप, और साथ में ये शील्ड रखी हुई जो कि इनको मिली थी, और उनके द्वारा लिखित पुस्तकें तो आपको हम पहले दिखा चुके हैं। ये इनकी माता जी का बर्तन रखा हुआ है जो पूजा करने में यूज करते थे, ये छतरी जो उनकी माता जी यूज करती थी उसका हैंडल था। बाकी ये फ़ोटो वोटो हैं जिनके माता जी भगवान जी के पूजा किया करती थी। ये रुद्राक्ष की माला और चम्मच आचमनी जिसको कहते हैं, ये रखा हुआ है इस प्रकार। और ये है चरखा दोस्तों, जो टीवी वगैरह में दिखाते हैं बड़ा बड़ा चरखा, वो चरखा नहीं यूज करते थे, ये छोटा सा चरखा पंडित जी और गांधी जी भी यही यूज किया करते थे जब यात्रा करते थे। ये उनके कुछ लेटर रखे हुए हैं जो कि इंदिरा गांधी ने अपने पिताजी को लिखे थे और पिताजी ने उनको रिप्लाई दिया था, तो ये सब लिखे रखे हुए हैं। ये भी है तो है। देखिए उस प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम राइटिंग में रखे हुए हैं, इस प्रकार से हुआ करते थे पत्र। और दोस्तों ये पंडित जी के जूते रखे हुए हैं जो कि यूज करते थे, वो इसमें नागरे हैं, और बूट्स मतलब कि जो हाई लेंथ हाई एंकल वाले हुआ करते थे। और ये इनका आप कोट देखेंगे पीले कलर में लेदर का, पीछे इनकी सदरियाँ हैं जो अपना पहना करते थे, ये लेदर का कोट पीला पीला। ये देखिए इस पर लिखा हुआ है प्रयुक्त ऊनी वस्त्र जो जाड़े के समय। ये देखिए लेटर आपको हम श्री इंदिरा गांधी, मतलब कि इसमें लिखा हुआ सेम टू सेम वही राइटिंग, पूरा बाकायदा लिखा हुआ है किसको लिखा है, इनकी राइटिंग देख लीजिए आप। तो इस प्रकार से तब के ज़माने में स्पीड पोस्ट हुआ करते थे, स्पीड पोस्ट का यही पोस्ट हुआ करते थे। अब ये जो हैं ये गोलियाँ थी जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान पंडित जी वहाँ का दौरा किए थे और वहाँ से एक गोली लाई गई, एक या तमाम गोलियाँ लाई गई हैं। तो ये इसमें से एक गोली है जो कि पिस्टल की सहाय लगती है। बाकी ये खोखे रखे हुए हैं जलियांवाला बाग वाले में जो कारतूस हत्याकांड के बाद में वहाँ से एकत्र, और ये पंडित जी को जब कैद किया गया था तो उनके गले में ये तख्ती पहनाई हुई थी, इस पर नंबर पड़ा हुआ है। और ये चरखा जो आपको पहले दिखा दे, ये सूत उसी का काटा हुआ है, ये कुछ रखा हुआ है पत्थर टाइप में। ये देखिए दोस्तों उनकी निजी वस्तुएं हैं, उसमें चश्मा हुआ और इनका भी ट्रिमर, हम ये ट्रिमर है इनका विद्युत ट्रिमर, और ये स्याही सुखाने वाला यंत्र है जो कि चांदी के। और ये दोस्तों वही कलश हैं आपको दिखाएंगे जिसमें पंडित जी की अस्थियां रखी हुई हैं, रखी हुई थी मतलब उनको जलाओ, ये छोटे वाले में उनकी पत्नी की अस्थियां रखी हुई थी, बड़े वाले में उनके अस्थियां रखी हुई थी। इस प्रकार देखते हुए दोस्तों हम लोग चलते हैं नीचे
क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना ज़्यादा अलाउ नहीं था। चुपके से दोस्तों वीडियो बनाए हैं। दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, इतनी मेहनत की गई है। नीचे आपको दिखाते हैं, ये पहले आप झूमर देख लीजिए, उस ज़माने में इस प्रकार से ऐसा हुआ करता था। और बाहर से दोस्तों आनंद भवन इस प्रकार से लगता है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, मतलब उजाले से भरपूर दुमंजिल बिल्डिंग है, लेकिन तब भी उजाला और हवा इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आता। हम लोग दोस्तों देखने के बाद हम लोग थक गए, बैठे हैं। और दोस्तों ये देखिए एक रॉकेट यहाँ पे बना हुआ है, इसके पीछे एक नक्षत्रशाला है, वो आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।